पुणे में पोर्शे कांड मामले में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। सरकारी अस्पताल जारी करेगा नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट। पोर्शे कांड मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जुवेनाइल बोर्ड का फैसला हैरान कर देने वाला है। आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने लॉकअप में भेजा। आज क्राइम ब्रांच विशाल अग्रवाल को कोर्ट में करेगी पेश। तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कूड़े कांड के बहाने राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। वीडियो में किया ट्वीट, लिखा कि हिंदुस्तान दो बन रहे हैं, एक गरीबों का एक अमीरों का। पुणे हिट एंड रन मामले में सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून नहीं, सभी को बराबर न्याय मिलेगा। स्वाति मालीवाल मामले में वैभव की कस्टडी, गुरुवार को हो रही खत्म। वैभव के मोबाइल डेटा को रिकवर करने में जुटी है दिल्ली पुलिस। वैभव कुमार को मुंबई लेकर पहुंचे दिल्ली की पुलिस। स्वाति मालीवाल से दिल्ली के एलजी ने फोन पर की बातचीत। एलजी ने स्वाति मालीवाल की घटना पर जताया दुख, कहा कि पूरी कोशिश करेंगे न्याय दिलाने की, आरोपी को सजा मिलेगी। एलजी के लेटर पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा कि एलजी की चिट्ठी से साबित हुआ स्वाति मालीवाल बीजेपी के लिए कर रहे काम, चुनाव में तक रोज नए हथकंडे अपनाएगी बीजेपी। स्वाति मालीवाल केस को लेकर आम आदमी पार्टी की मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर पलटवार, महिला पहलवान केस का मुद्दा उठाया। आज पीएम मोदी के कई चुनावी कार्यक्रम, यूपी और दिल्ली में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे बस्ती, दोपहर 2:30 बजे श्रावस्ती में रैली। पीएम मोदी शाम को करीब 6 बजे दिल्ली के द्वारका में करेंगे रैली, बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनावी रैली, कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। अमित शाह के पश्चिम बंगाल में कई चुनावी कार्यक्रम, सबसे पहले मेदिनीपुर में सुबह 11 बजे रहेंगे। अमित शाह पेंगला में दोपहर 12 बजे जनता से होंगे रूबरू, उसके बाद पुरुलिया में पहुंचेंगे, 1 बजे करेंगे रैली। अमित शाह बांकुरा में दोपहर 3:30 बजे रोड शो करेंगे, प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती सुबह 11 बजे बांकुरा में रैली करेंगे, अमित शाह के रोड शो में भी शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर पूर्वी दिल्ली के भलसवा में आज शाम करेंगे जनसभा, जनता को गिनाएंगे अपने वादे। आज पंचकुला में संविधान सम्मान सेमिनार का आयोजन, राहुल गांधी करेंगे अध्यक्षता। आज मेदिनीपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी करेंगे रोड शो, टीएमसी के लिए जुटाएंगे समर्थन। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल से सवाल, कहा कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरे केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सिसोदिया। जमशेदपुर में केजरीवाल ने की रैली, कल्पना सोरेन भी रही मौजूद, गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा दावा किया। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11:30 बजे। बिहार के सारण में चुनाव के बाद में हिंसा, बड़ी संख्या में पुलिस बल की अब तैनाती, 18 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। बस्ती में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर प्रहार, बोले मुख्यमंत्री को गणित नहीं आते, 400 पार तो दूर, 143 सीटों के लिए तरस जाएगी बीजेपी। 400 पार उन्हें गणित नहीं आता है, वो 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार तो बची कितनी, 143। आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में बेकाबू भीड़ से मची भगदड़, हालात संभालने के लिए पुलिस ने लहराई लाठी, भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर 1 जून से चलेगा मुकदमा, राहुल सेवेनी कोर्ट में दोनों ने नहीं स्वीकारे अपने अपराध। दिल्ली में नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। अंबाला में बीजेपी एमएलए अनिल विज को किसानों ने घेर कर पूछा सवाल कि किसानों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, विज के जवाब पर किसानों ने एफआईआर दर्ज करवाने को कहा। पानीपत में सीएम थामी ने करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल के पक्ष में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर महंत राजूदास की प्रतिक्रिया, कहा कि कांग्रेस की मानसिकता राक्षसों वाली। हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने कहा कि उपचुनाव होने के पीछे बिके हुए विधायक के कारण, ईमान बेचकर जनता के साथ किया धोखा। गुना में सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान, कहा कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह ही मुद्दा है। कोटा में कांग्रेस महासचिव के आलिशान फार्म हाउस पर वन विभाग ने चलाया बुलडोजर, 15 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था।
गंगापुर में पुलिस प्रशासन ने हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माणाधीन मकान पर चलाया बुलडोजर, करोड़ों का धमाका। ऋषिकेश एम्स में लगातार हो रहे विवाद के कारण पुलिस ने एम्स के दो चिकित्सकों को मेडिकल परीक्षा एमडी में नकल करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में बस में बैठने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, मौके पर मौजूद बीजेपी के नगर अध्यक्ष की युवकों ने जमकर कर दी पिटाई। बाबा केदार के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब गर्भगृह में जाकर भक्त कर सकेंगे दर्शन। मंदिर में भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे, सोमवार को रिकॉर्ड 37,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 3,20,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, बाबा केदार के दर्शनार्थियों का यह नया कीर्तिमान। चारधाम यात्रा के लिए 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। हरिद्वार रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पिछले 6 दिनों से नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण न होने के चलते यात्री परेशान। चमोली में हेमकुंड साहिब में बर्फ को काटकर बनाया जा रहा रास्ता, जवानों की काम करते हुए तस्वीरें सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर पीर सड़क पर भूस्खलन, बचाव अभियान जारी। भूस्खलन के चलते पहाड़ों से गिरकर मलबा सड़क पर आया, घटना के कारण यातायात प्रभावित। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम और ऊपरी सियांग में आया तूफान, कई घर क्षतिग्रस्त। तूफान के कारण बिजली आपूर्ति बाधित, साथ ही कारों को भी नुकसान। दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री के आसपास बरकरार, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूरे उत्तर भारत में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच में बढ़ी बिजली की खबर, डिमांड पूरी न होने की के चलते जगह जगह पावर कट भी होने लगे। गुरुग्राम में बढ़ती गर्मी के बीच में स्कूल की छुट्टियों में बदलाव, जल्द ही राज्य सरकार इस पर लेगी फैसला। मध्य प्रदेश में सूरज उगल राग, दिन प्रतिदिन पारा बढ़ता जा रहा, 45 से 47 डिग्री के पास में तापमान है। फिरोजपुर में 43 से 44 डिग्री के बीच में पहुंचा तापमान, गर्मी की वजह से लोग बहुत परेशान। उन्नाव में भीषण गर्मी में धू धू कर जला ट्रांसफॉर्मर, शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग ने एक्शन ही नहीं लिया। हल्द्वानी में लोगों ने जंगलों में लगाई आग, आग लगाने वाले 7 लोगों पर FIR। लोनावला में दुकानदार महिला के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई, घटना सीसीटीवी में कैद। नवादा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, 13 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू में ठेके से नहीं खरीदी शराब, तो युवक के हाथ पैर बांधकर पीटा गया, जान चले गई। 5 गिरफ्तार। हैदराबाद में बाइक पर सवार दंपति पर गिरा पेड़, मौके पर पति की मौत। सूरत में एक युवक की हत्या को लेकर लोगों ने ओवरब्रिज जाम कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को कंट्रोल किया। दरभंगा में जाली थाना में 4 बंदी को जबरन भगाकर ले गए ग्रामीण, फर्जी मतदान करवाने के आरोप में गिरफ्तार। कोटा में रेलवे ऑफिसर क्लब के स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत, पैर फिसलने के चलते हादसा। पटना में नाले में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई, लोगों ने पुलिस के वाहन में लगा दिया। दिल्ली के जाफराबाद में अज्ञात लोगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, पुलिस कर रही है जांच। गोरखपुर में चाचा भतीजे की एक साथ जान चले गई, मामूली बात पर दोनों ने जहर खा लिया। भावनगर में तालाब में हादसा, 4 लड़कियों के डूबने से हो गए। बारामती में यात्रियों को ले जा रहे नाव पलट गए, 7 लोग लापता, तलाशी अभियान जारी। जयपुर में मोबाइल की लत ने पर मां ने बेटी को टोका, झगड़े में बेटी की जान चली। प्रयागराज में सड़क पार कर रही महिलाओं को तेज रफ्तार ओमनी कार ने मारी टक्कर, 3 महिलाओं की मौके पर मौत। हरिद्वार पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया, सगी पोती मास्टरमाइंड निकली। दरभंगा में पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार किया।